आज हम बात करेंगे डॉग्स के अंदर किडनी इश्यूज, ऐसे इश्यूज जिसके अंदर उनके यूरिन के अंदर प्रोटीन, यूरिया, इन सब की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और डॉग की ज़िंदगी के ऊपर आ जाती है, इसको कैसे टैकल करें। हाय, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम अपने इस चैनल में डॉग और डॉग की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि हम इसे और भी बेहतर बना सकें। कृपया कॉल ना करें, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी सलाह के लिए। डॉग्स के अंदर किडनी प्रॉब्लम की शुरुआत होती कैसे है? अगर हमारे डॉग कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आए जैसे कि वो उल्टियां कर रहा है, खाना बिल्कुल नहीं खा रहा है, इस ऐसे केस में हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर जो सबसे पहला काम करते हैं ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं हम किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर अगर आपके डॉग के क्रिएटिन लेवल, ब्लड यूरिया लेवल हाई आते हैं, ऐसे केस में हम उसे किडनी से रिलेटेड इश्यूज कहते हैं, जहाँ पे किडनीज अपना नॉर्मल फंक्शन करना बंद कर देती हैं। ऐसे केस में डॉग खाना पीना छोड़ देते हैं, वोमिटिंग करना शुरू कर देते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि आप उनको सेलाइन लगाएं। सेलाइन का मेन काम ये होता है कि क्योंकि आपके डॉग के ब्लड के अंदर वेस्ट यानी ब्लड, यूरिया और क्रिएटिन बहुत ज़्यादा हाई हो गए होते हैं, तो उसके प्रोपोर्शन को कम करने के लिए हम उसके अंदर सेलाइन का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि डॉग के, क्योंकि डॉग उल्टी कर रहा होता है, तो उसके पानी की पूर्ति और खाने की पूर्ति हम सेलाइन से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं है। डॉग की किडनीज जब तक नॉर्मली काम नहीं करेंगी, डॉग ठीक नहीं हो सकता। ये बाकी जितना भी ट्रीटमेंट होता है ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, सिम्टम्स के ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है। ऐसे इशूज़ के अंदर होम्योपैथिक के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छी तरह से किडनी को सपोर्ट करती हैं और रिवाइव करती हैं, लेकिन आप बिना किसी डॉक्टर के सलाह के बिना इन मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपको मेडिसिन की नॉलेज नहीं है तो ये आपके डॉग के लिए जहर साबित हो सकती हैं। जो मेडिसिन इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं उसमें सबसे अच्छी मेडिसिन में से एक मेडिसिन है हेलोनियस। ये मेडिसिन किडनी इश्यूज में बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी मेडिसिन है प्लम्बम मेट, ये मेडिसिन भी किडनी रिवाइव करने में बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी जो मेडिसिन है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बॉडी के अंदर वीकनेस और इससे रिलेटेड इश्यूज और किडनी इश्यूज में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। एक मेडिसिन जो एनिमल किंगडम से बनाई गई है, ईल फैमिली की जो फिश होती है इससे बनी हुई एक मेडिसिन है, इसे एल सेरम कहते हैं। ये मेडिसिन भी किडनी इश्यूज़ में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ की पेटेंट मेडिसिन है, रिकवेक कंपनी की R64 के अलावा भी और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो किडनी में बहुत अच्छा काम करती हैं। एलन कंपनी की A86 प्रोटीन, एक्सेस ऑफ प्रोटीन में बहुत अच्छा काम करती है और A87 ये क्रिएटिन और ब्लड यूरिया में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा NL2 ये मेडिसिन भी कम्बिनेशन मेडिसिन है और ये एल सेरम से बनी हुई मेडिसिन है और साथ में इचिनेशिया भी है इसके अंदर, तो ये बहुत अच्छा काम करती है किडनी इश्यूज के अंदर। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जहां कन्वेंशनल मेडिसिंस काम नहीं आती वहां पे होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम करती है। मैं आपको एक केस बता देता हूं। मेरे पास में एक पग डॉग आया था जिसको कन्वेंशनल मेडिसिंस यूज़ करने के बावजूद भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसको लीवर और किडनी दोनों में इश्यूज़ थे और वो काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में थी। मैंने उनको बताया कि होम्योपैथिक के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिंस हैं जो यूज़ करके आप अपने डॉग के लीवर और किडनी फंक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। उन्होंने मेडिसिंस यूज़ की और होम्योपैथिक पे भरोसा किया। जिस डॉग को डॉक्टर्स ने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए थे और कोई ट्रीटमेंट उसके ऊपर काम नहीं कर रहा था, वो फीमेल 1.5 साल तक ज़िंदा रही।
बाद में दूसरी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसकी डेथ हो गई, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने उस पर भरोसा किया और उनके उनको रिजल्ट भी मिले। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और होम्योपैथिक मेडिसिन पर भरोसा कीजिए। ये आपके डॉग के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।